बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आई वेलकम यू ऑल टू द ग्रेडअप प्लेटफॉर्म. बच्चों दिस इज एक्सेलरेट नीट. बच्चों दो सेपरेट सीरीज रन हो रही है. हर क्लास से पहले मैं आप लोग को बताती हूँ, देयर आर टू सेपरेट सीरीज विच आर रनिंग राइट नाउ. वन इज़ बेस्ट ऑफ बायोलॉजी, टाइमिंग इज़ 4 बजे. सेकंड इज़ एक्सेलरेट नीट, टाइमिंग इज़ 5 बजे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. और स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चों को क्या करना है, क्विकली क्विकली अभी की अभी अपने सोशल मीडियाज़ पे इसको शेयर कर देंगे अभी की अभी. अंजलि सिंह जेनेटिक्स में पहले भी करवा चुकी हूँ एक्सेलरेट नीट के अंदर ही, दोनों चैप्टर्स करवा चुकी हूँ एक्सेलरेट नीट में. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी हो चुका है, मॉलिक्यूलर बेसिस भी हो चुका है. तो पुराने लेक्चर्स आप देख लो. यस ऑफ कोर्स दोबारा भी इसको करवा देंगे इस चैप्टर के बाद में, बिकॉज जेनेटिक्स से सबको डर लगता है. आई नो इट वेरी वेरी वेल. तो स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे पहले इसको शेयर करेंगे क्विकली. शेयर इट इन टू योर सोशल हैंडल्स राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ. Vandana, most welcome to the session. Ecology भी ले लेंगे भाई, बिल्कुल ले लेंगे. अभिपाशा नाथ, thank you so much. Perfectly fine. Dr. Nikita, yes, good, good. किया किया किया, सबने किया. तो बच्चों एक्सेलरेट नीट में हम लोग ने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करा था लास्ट क्लास के अंदर. बेस्ट ऑफ बायो में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है. दो सेपरेट टॉपिक है, इसमें 11 चल रहा है, उसमें आपका 12th चलने लग रहा है. उसको बेस्ट ऑफ बायो को और इसको मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है. मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा लेक्चर है आज आपका. रूट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, रूट्स की मॉडिफिकेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम लोग स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे. जो बच्चे ने जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी हुई है ऑलरेडी स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशन की, तो आप लोग मेरे साथ साथ प्रॉपरली पार्टिसिपेट करते हुए चलना और जो भी मैं आपसे पूछूँ उसका रिप्लाई करते हुए चलना. बच्चों मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जिसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग का जो मगिंग पार है वो उतना नहीं होता है. सो आई रियली रिकमेंड कि क्लास करते करते जब मैं आप लोग को बोलूँ कि इसका ये एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखना है, सो मेक श्योर एवरीबडी इज़ पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली. फारिद अहमद, जेनेटिक्स पेडिग्री एनालिसिस का नहीं. फारिद अहमद, ऑल राइट. अगर जेनेटिक्स आपने बाकी सारा पढ़ लिया है तो पेडिग्री पे आई विल श्योरली मेक वन लेक्चर, एक लेक्चर पेडिग्री पे ज़रूर ज़रूर हम लोग कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. एवरीबडी क्विकली क्विकली शेयर इट इनटू योर सोशल हैंडल. क्विकली शेयर करो, बिल्कुल. क्लासेस डेली होता है पुष्कर, जल्दी शेयर करो फिर स्टार्ट करेंगे क्लास को जल्दी से जल्दी जल्दी. एवरीबडी. हुरिया नूर, बिल्कुल परफेक्टली. ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन पे भी ज़रूर करेंगे. इस पे एक्चुअली हमारा इंटरेक्टिव क्विज चल रहा है तो उसमें ही आई विल एक्सप्लेन यू डेफिनेटली. ऑल राइट, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. बाकी और बच्चे भी ज्वाइन करते रहो साथ साथ में. स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेम को. एक्साइटेड फॉर द सेशन एवरीबडी. स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेम को. स्टेम सी हमने रूट पढ़ लिया था लास्ट क्लास में. रूट की क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती है वो भी हमने पढ़ लिया था. और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेम को. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेम को, ठीक है. स्टेम सबसे पहले तो देखो जो प्लांट होता है, प्लांट में बेसिकली 3 organs प्रेजेंट होते हैं. प्लांट हैज़ गोट 3 different organs. इट हैज़ गोट रूट, इट हैज़ गोट स्टेम, इट हैज़ गोट लीफ. ये 3 different organs प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. रूट्स जो है वो आपका अंडरग्राउंड पार्ट होता है. जो स्टेम होता है वो आपका ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट है दैट इज़ योर स्टेम, वो आपका स्टेम वाला पार्ट होता है, ठीक है. स्टेम बेसिकली आपका असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो असेंडिंग पार्ट होता है दैट इज़ योर स्टेम. सिमी सिंह, टाइमिंग बेटा 5 बजे एक्सेलरेट नीट, 4 बजे बेस्ट ऑफ बायोलॉजी. ये दो टाइमिंग्स हैं. बेस्ट ऑफ बायोलॉजी में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है जिसमें हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करा था लास्ट क्लास में. अब नेक्स्ट क्लास में जो कि कल होगी उसमें उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट. दिस इज एक्सेलरेट नीट जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर दिया है. मॉर्फोलॉजी में रूट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम स्टेम पढ़ेंगे, आज हम स्टेम पढ़ेंगे, राइट. Clear everybody, clear with this thing? यस चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेम बच्चों, स्टेम क्या होता है? प्लांट में जो आपका असेंडिंग पार्ट होता है, प्लांट का जो भी असेंडिंग पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज योर स्टेम, दैट इज योर स्टेम। ठीक है, प्लांट का असेंडिंग पार्ट इज योर स्टेम। नाउ वी डिफाइन इट इन टू वेज, हमने रूट्स में भी बात करी थी, फोटोट्रोपिज्म की एंड जियोट्रोपिज्म की। नाउ व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, व्हाट इज जियोट्रोपिज्म? फोटोट्रोपिज्म, ट्रॉपिक का मतलब होता है बेटा मूवमेंट, ट्रॉपिक इज योर मूवमेंट। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो इज सनलाइट, विच मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स द सनलाइट इज योर फोटोट्रोपिज्म। सनलाइट की तरफ में अगर कोई चीज मूव करती है दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। नाउ व्हाट इज जियोट्रोपिज्म? ट्रॉपिक अगेन मूवमेंट, जियो मीन्स अर्थ, so movement towards earth or the soil is called as geotropism. Movement towards sun is phototropism, movement towards soil is geotropism. तो अगर आप stem की बात करोगे, तो stem is पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब सन की डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, तो इट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड इट इज़ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अर्थ से जस्ट अपोजिट मतलब ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है। दैट इज़ वाई वी से दैट स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक विच मीन्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सन and negatively geotropic which means moving against the direction of gravity, against the direction of earth, it is moving against that, right? So stem is your positively phototropic and negatively geotropic. Then comes stem जो है basically see stem का characteristic feature होता है that there should be presence of nodes and internodes. स्टेम का ही फीचर है, आप किसी भी पार्ट को स्टेम कब बोलेंगे जब उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है। अब मुझे आप सारे बच्चे में से कोई भी बच्चा ये डिफरेंस समझा दो कि नोड्स में और बर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नोड्स, व्हाट डू यू मीन बाय बर्ड्स? क्या दोनों एक ही चीज़ है या दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं? अगर एक ही चीज़ है, तो क्या है, और अगर दोनों डिफरेंट है तो क्या है? प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड। डिफरेंट है, हाँ, सिमी सिंह इज सेइंग स्टेम आर जॉइंड बाय सॉलिड नोड एंड हॉलो इंटरनोड, ऑल राइट। डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है बच्चों? डिफरेंस क्या है ये बता दीजिए, क्या डिफरेंस है? एवरीबडी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका नोड है, ठीक है मैंने मान लिया, बट कैसे? व्हाट इज नोड, व्हाट इज बर्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ सिंपल सी, जो आपका स्टेम है, सी लेट्स से दिस इज योर स्टेम पार्ट, इसी स्टेम को अगर आप कंडेंस कर दो, अगर आप एक स्टेम को बिल्कुल कंडेंस करके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में लेकर के आ जाओ, स्टेम ही है पूरा आपका एनलार्ज, उसको मैंने कंप्रेस कर दिया, कॉम्पैक्ट बना करके एक छोटे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, दैट कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर इज बर्ड, राइट। सो व्हाट इज बर्ड, बर्ड क्या है? मैं कहती हूँ भाई बर्ड इज कंडेंस्ड कॉम्पैक्ट शूट, मतलब आपका स्टेम ही है, बस मैंने इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है, कंडेंस कर दिया, दैट इज माय बर्ड। नाउ व्हाट इज नोड्स, क्या होते हैं? नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम। ध्यान से समझिएगा इस चीज को बच्चों, ज्ञान चक्षु ओपन सुनेगा। नोड्स आर बेसिकली द पार्ट फ्रॉम वेयर लीफ अराइजेज। नोड वो पार्ट है स्टेम पे जहां से आपकी लीव्स अराइज होती है, विच मीन्स बर्ड कंप्राइजेज ऑफ nodes and internodes. Bud is the condensed compact stem and in turn it has got nodes as well as internode. Node is the part from where leaf arises and internode is basically the space between two consecutive nodes. दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज योर इंटरनोड एंड नोड इज द पार्ट जहां से आपकी लीफ अराइज होती है, right? डिफरेंस क्लियर हुआ? व्हाट इज नोड, व्हाट इज बर्ड? बर्ड इज सिंपली योर कंडेंस्ड कॉम्पैक्ट शूट एंड नोड इज द पार्ट फ्रॉम वेयर लीफ अराइजेस, इंटरनोड इज द पार्ट विच इज द स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। इज दैट क्लियर? Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? क्रिस्टल क्लियर हो गया, मक्खन क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी की यही कहती है कि स्टेम इट बियर्स नोट्स एंड इंटरनोट्स, स्टेम जो है वो नोट्स एंड इंटरनोट्स को बियर करता होता है। चलो ठीक है जी। इट हैज़ गॉट टर्मिनल एंड एक्सिलरी बर्ड्स। नाउ व्हाट इज टर्मिनल, व्हाट इज एक्सिलरी? टर्मिनल का मतलब होता है सिंपली समथिंग विच इज ऑन द टिप और द एपेक्स। टर्मिनल का मतलब होता है टर्मिनल पोजीशन, मतलब एपेक्स पे प्रेजेंट है या फिर टिप पे प्रेजेंट है। तो कंडेंस्ड स्टेम अगर आपका एकदम टिप वाले पार्ट पे प्रेजेंट है, दैट विल बी योर टर्मिनल बर्ड। और अगर कंडेंस्ड स्टेम आपका स्टेम से कोई एंगल बनाते हुए इस एक्साइल एंगल के ऊपर प्रेजेंट है, दैट विल बी योर एक्सिलरी बर्ड, दैट विल बी योर एक्सिलरी बर्ड, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है बच्चों, दिस इज योर द टर्मिनल वन and this one which is at some angle, which is in the exile, which is at some angle, this is your axillary bud, this is your axillary bud, right? So stem is something which bears nodes and internodes. It is the characteristic feature of a stem that it should comprise of nodes and internodes. It is going to bear terminal bud and axillary bud. Terminal is the one which is at the tip wala part, axillary is the one which is at the angle, axile wale part pe jo angle form hua hai wahan pe present hai. Is it clear? Is it clear to all of you? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्विकली जितने बच्चे ऐप पे प्रेजेंट है प्लस जितने बच्चे यूट्यूब पे प्रेजेंट है, क्विकली लाइक द सेशन राइट नाउ, लाइक द सेशन बच्चों राइट नाउ। स्टेम वापस से आप लोग को रिवाइज करवाती हूँ। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो असेंडिंग पार्ट होता है दैट इज योर स्टेम। इसको अगर मैं मूवमेंट की बेसिस पे चेक करूँ तो फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट, तो स्टेम इज समथिंग विच इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, सनलाइट की तरफ में मूव करेगा। स्टेम इज समथिंग विच इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, अर्थ की साइड में मूव नहीं कर रहा है, अर्थ से ग्रेविटी से अवे मूव कर रहा है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। इट डेफिनेटली बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इट बियर्स टर्मिनल एंड एक्सिलरी बर्ड, टर्मिनल एट द टिप, एक्सिलरी एट द एक्साइल पोजिशन, राइट राइट एवरीबडी, राइट राइट राइट, वेरी वेरी गुड। सुजीत कुमार कोई बात नहीं, लेट हो गए हो, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ स्टेम का कॉमन फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? सी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का मतलब ये होता है अगर स्टेम अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ करके कुछ और अगर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे, देन यू कॉल इट मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम। तो पहले तो इसका नॉर्मल फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। नॉर्मल फंक्शन ऑफ ए स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ब्रांचेस को फॉर्म करना मेन नॉर्मल फंक्शन होता है आपके स्टेम का। अब ब्रांचेस को फॉर्म करने के अलावा और भी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। इट माइट स्टोर फूड, इट माइट एक्ट एज थॉर्न्स, इट माइट एक्ट एज स्टैंड्रिल्स and a lot of various functions, और भी different functions को ये perform कर सकता है। So despite performing its normal function, if it is performing some different function, then you call it modification of stem. What do you call it? You call it modification of stem. So what is modified stem? Modified stem is the stem which is despite performing its normal function is performing some different function like storing the food, like photosynthesis, like supporting the plant, like providing the protection or anything else, right? Yes डॉक्टर निकिता, बिल्कुल परफेक्ट आपने आंसर किया। तो जो मॉडिफिकेशंस है स्टेम की बच्चों, उन मॉडिफिकेशंस को हम तीन डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ आपको प्लांट का नाम दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में उन प्लांट के नाम को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करा हुआ है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? जो मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स है दे बेसिकली कम अंडर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट वन अंडरग्राउंड स्टेम। सी स्टेम आपकी बेसिकली ग्राउंड के अपर वाले लेवल पे प्रेजेंट है, बट मॉडिफाइड स्टेम इज समथिंग विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट है, तो दैट विल बी योर अंडरग्राउंड स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में वी गोना स्टडी अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम विच इज हाफ इन द एयर हाफ इन द सॉइल, एंड एरियल स्टेम, right? So modification, we're going to see three different categories. These three different categories are, one is your underground stem जो soil level के नीचे present है, second is your sub area which is half, हिंदी में बोलूँ, हिंदी में ही बोल रही हूँ मोहिन खान, तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं मोहिन खान. एक तो वो है जो ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होती है जिसको आप अंडरग्राउंड बोलते हैं, एक वो है जो सब एरियल प्रेजेंट होती है, सब मीन्स हाफ, एरियल मीन्स एयर में, तो हाफ एयर में है, हाफ सोइल के नीचे है, दैट विल बी सब एरियल. एंड थर्ड वो होती है जो कम्प्लीटली एरियल है, जो सिर्फ एयर में ही प्रेजेंट होती है. इज इट क्लियर नाउ मोहिन खान, इज इट क्लियर नाउ? यस, तो अंडरग्राउंड स्टेम की कैटेगरी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं. सी, मैंने आपको कहा भाई हमको मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स पढ़ना है, मतलब स्टेम अगर अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़ करके कुछ और फंक्शन को परफॉर्म करता है, यू कॉल इट मॉडिफाइड स्टेम. और उस मॉडिफाइड स्टेम में भी अगर उसकी पोजीशन ग्राउंड के अंदर है तो आप उसको बोलते हो अंडरग्राउंड स्टेम. क्या बोलते हो आप उसको? अंडरग्राउंड स्टेम. नाउ दीज अंडरग्राउंड स्टेम एनसीईआरटी ने सिर्फ एग्जाम्पल लिख करके छोड़ दिया है, बट एक्चुअल में हमको पूरी कौन सी कैटेगरी में आप उसको रखते हो ये भी हमको ज़रूर पढ़ना है. तो अंडरग्राउंड स्टेम कुड बी राइजोम, कुड बी ट्यूबर, कुड बी कॉम, कुड बी बल्ब. अंडरग्राउंड स्टेम कुड बी of these four different types. It could be rhizome, could be tuber, could be comb, could be bulb. अब ये चार चीज़ें क्या होती है बारी बारी से हम लोग समझते हैं. अगर आप में से किसी भी बालक को पता है कि rhizome and tuber में difference क्या होता है तो you are most welcome to write it down. बिल्कुल लिखिए rhizome and tuber में difference क्या होता है. क्या किसी को पता है rhizome and tuber में difference क्या होता है? आशुतोष यादव, ऑनलाइन क्लास की टाइमिंग है बेटा 5 बजे, 5 o'clock. 5 o'clock is the timing. Yes. Can you tell me the difference between rhizome and the tuber? Rhizome and the tuber. Aloo. All right. आलू में क्या प्रेजेंट होता है? दिस डायग्राम इज ऑफ राइजोम. ये आपका राइजोम का डायग्राम है. अब राइजोम में अगर मैं देखूं बच्चों, राइजोम जो है अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड होता है. सेकेंडली देखना भाई, इस जिंजर इज द एग्जाम्पल, जिंजर को ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है. अगर आप इसको सॉइल में देखेंगे तो इट ग्रो समथिंग लाइक दिस. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो करता है, अंडरग्राउंड है, सोइल के नीचे है, सोइल के नीचे भी ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, वर्टिकल ग्रो नहीं कर रहा है, इट इज ग्रोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. अदरक सबने देखी अपने घर में, जिंजर सबने देखी होगी, आई गारंटी सबने देखी होगी. तो जिंजर लुक्स समथिंग लाइक दिस, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है. तो सिंपली समझ में आता है कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करा है इसीलिए तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है. ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं होता है, फ्लैट होता है और ऐसे क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है. तो दिस इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ राइजोम. राइजोम बच्चे अंडरग्राउंड होती है आपकी, एंड दे ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है इनमें, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है. अब मैं कैसे मान लूँ ये स्टेम है, मैं कैसे मान लूँ ये स्टेम है? तो बच्चों हमने पढ़ा है अच्छे से, स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स. फीचर होता है, देख लेते हैं कि इस पे नोट्स इंटरनोट्स प्रेजेंट है कि नहीं है. तो घर में सारे बच्चे अपनी किचन से जिंजर उठा करके चेक करना, उसको माइन्यूटली देखना कि उसके अंदर इस तरीके से निशान बने हुए होते हैं, लाइक दिस. पूरी जिंजर पे इस तरीके से निशान बने हुए होते हैं. तो ये निशान क्या है, ये जो मार्क्स दिख रहे हैं आपको जिंजर पे, ये किस चीज़ के हैं? दीज आर बेसिकली नोड्स, these marks are your basically nodes. The space between these two consecutive nodes, this is node, this is node, the space between these two consecutive nodes is your internode. The space between these two consecutive nodes is your internode. Getting it? तो जिंजर इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ योर राइजोम. राइजोम इज योर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम. बेसिकली इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली, सॉइल के नीचे ग्रो करता है और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है. इज इट क्लियर? आर वी कूल? आर वी कूल टिल नाउ सो फार? Till now, so far, are we cool everybody? What is rhizome? Did you get it? आया समझ में राइजोम क्या होता है? बच्चों हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, सारी मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग ज़रूर लगाएंगे. गुड इवनिंग कपिल, वेरी लेट कपिल से सो दिया. यस स्कूल, ठीक है भाई, समझ में आया तो आगे देखते हैं. देन वी हैव ट्यूबर, देन सेकेंड वन वी हैव ट्यूबर. अब ट्यूबर इज ऑल्सो अंडरग्राउंड, tuber is also underground, tuber is also horizontally growing, ये भी horizontal ही grow करता है. तो भाई difference क्या हुआ मैम, difference क्या हुआ rhizome में and tuber में difference क्या हुआ? तो मेरे बच्चों difference ये है, इसमें tuber horizontally grow करेगा, ध्यान से देखो structure को, horizontally grow कर रहा है but it get swells, ये swell हो जाता है. हॉरिजॉन्टली ग्रो करा और फिर एक पार्ट पे स्वेल, जो इसका टिप वाला पार्ट है उसने बहुत सारे फूड को स्टोर कर लिया एंड इट गेट स्वॉलन. हॉरिजॉन्टली ग्रो करा, बहुत सारे फूड को स्टोर कर लिया एंड गेट स्वॉलन सो ट्यूबर राइजोम में डिफरेंस क्या है? दोनों अंडरग्राउंड है, दोनों हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं. जो आपका एग्जाम्पल पूछ रहे बच्चे भाई, पोटैटो, ठीक है, दोनों अंडरग्राउंड है, दोनों हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं. डिफरेंस ये है कि जो राइजोम होता है वो क्रीपिंग स्ट्रक्चर ही रहेगा, जैसे आपकी जिंजर है. ट्यूबर है वो फाइनली जा करके एंड वाले पार्ट से, बेस से स्वेल्ड अप हो जाता है, तो इट गेट स्वॉलन एट द बेस. दैट इज योर ट्यूबर, एवरीबडी, what is rhizome, what is tuber? Did you get the difference between these two? What is rhizome, what is tuber? दोनों में क्या difference होता है बच्चों? आया समझ में? फिर से सुनो, we are understanding modifications of stem. स्टेम की मॉडिफिकेशन मतलब अगर स्टेम नॉर्मल फंक्शन छोड़ करके कुछ भी और मॉडिफाइड फंक्शन करती है, दैट इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. वी आर गोइंग टू सी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, मतलब वो मॉडिफिकेशन जो सॉइल के इनसाइड में रहती है. हमने बात करी राइजोम की, अंडरग्राउंड था, क्रीपिंग स्ट्रक्चर था. एग्जाम्पल मेरा जिंजर मुझको दिख रहा है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड, एग्जाम्पल जिंजर. देन वी हैव ट्यूबर, पोटैटो, which is potato. underground है, creeping है, but base से जा करके swell हो गया है, that is your tuber. then third category we have corm. एग्जाम्पल आपका कोलोकेशिया, अमोरफिलस, सारे एग्जाम्पल कॉर्म के हैं. अब कॉर्म क्या होता है? ये भी अंडरग्राउंड है. कॉर्म की बात करते हैं भाई, दिस इज ऑल्सो अंडरग्राउंड, तो है, ग्रो कर रहा है ग्राउंड के अंदर. लेकिन एक चीज़ देखो भाई, इसका जो डायामीटर है, डायामीटर इज मोर देन इट्स लेंथ. इसकी लेंथ से इसका डायामीटर बहुत ज़्यादा है. कैसे अगली सा स्ट्रक्चर है, डायामीटर इज मोर देन इट्स लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज योर कॉर्म. अगेन अंडरग्राउंड, बस डिफरेंस इतना है बाकी सारे स्ट्रक्चर से. अंडरग्राउंड है, क्रीपिंग है, अंडरग्राउंड है, स्वॉलन एट द बेस, अंडरग्राउंड है, बस इसका डायामीटर इज मोर देन इट्स लेंथ. लिख देती हूँ, दिस इज ऑल्सो अंडरग्राउंड बट इट्स डायामीटर इज मोर देन इट्स लेंथ. लेंथ से ज़्यादा आपका डायामीटर प्रेजेंट होता है, दैट इज योर कॉर्म. आर वी कूल टिल नाउ? टिल नाउ सो फॉर एनी प्रॉब्लम. पीडीएफ किस चीज़ का चाहिए तन्नू कौशिक, किस चीज़ का पीडीएफ चाहिए आपको? यस, डन एवरीबडी. देन द फोर्थ वन वी हैव बल्ब. अब बल्ब को समझाने के लिए मैंने आप लोग के लिए एकदम बढ़िया से अनियन एंड गार्लिक की पिक्चर्स निकाली है, बल्ब को समझाने के लिए. ठीक है, बल्ब क्या होता है? इस अनियन के स्ट्रक्चर को देखो, बड़े ध्यान से. यस, अनियन के स्ट्रक्चर को देखिए बच्चों, देखिए आपके पास एक अनियन है, उसको आपने से बीच में से कट कर दिया है, बीच में से कट करके इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा दिखेगा। सब ने अनियन खाया होगा घर में, सब ने खाया। एनी फॉरनर जिसने अनियन नहीं खाया है, कोई ऐसा फॉरनर है क्लास में जिसने अनियन देखा भी नहीं हो, खाया भी नहीं हो, नहीं होगा कोई भी, सब ने खाया होगा। तो बीच में से मैंने इसको कट कर दिया। अब देखो ये एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर मेरे को दिख रहा होता है, जिसको हम जनरली हम काट के फेंक देते हैं। दिख रहा होता है, दिख रहा होता है वाइट स्ट्रक्चर जिसको हम जनरली काट के फेंक देते हैं। यस यस यस, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क। वेरी एक्सपेंसिव डॉक्टर सोहिल, नहीं वापस से नॉर्मल रेट्स हो गए हैं, वापस से नॉर्मल रेट्स हो गए हैं बच्चे, नॉट नो मोर एक्सपेंसिव राइट नाउ, ठीक है। दिस इज डिस्क। दीज लीव्स जो कि हम लोग खाते हैं या फिर वेजिटेबल्स में चॉप करके डालते हो, दीज लीव्स आर योर स्केली लीव्स, दीज आर योर स्केली लीव्स। दिस वन इज रिड्यूस्ड डिस्क, reduced disc, these are the scaly leaves. What is bulb? Reduced disc plus scaly leaves is called as bulb, is called as bulb, right? So what is bulb? वट इज़ बल्ब? जो आपका अनियन होता है उसमें जो रिड्यूस्ड डिस्क प्रेजेंट है, दैट डिस्क अलोंग विद द स्केली लीव्स इज कॉल्ड एज बल्ब। अब कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि अनियन इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अपने ज्ञान चक्षु ओपन करेंगे और अपने भेजे में डाल लेंगे इस चीज़ को कि जो डिस्क है, रिड्यूस्ड डिस्क, दिस इज मॉडिफाइड स्टेम, स्केली लीव्स दिस आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। Disc is modification of stem, leaves is the modification, scaly leaves is the modification of leaves, right? Is that clear? Is that clear to all of you? Right now, अनियन में आपने जनरली देखा होगा कि अनियन में बाहर में एक मेम्ब्रेनस लेयर प्रेजेंट होती है, विच इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिका, जिसको आप छिलके को निकाल के आप बाहर फेंक देते हो, आप चॉप करते हो अनियन को, बाहर से छिलका निकालते हो, मेम्ब्रेनस लेयर होती है, उसको निकाल के आप बाहर फेंकते हो, दैट इज़ बेसिकली योर ट्यूनिका। सो अगर तो वो ट्यूनिका प्रेजेंट है, अगर वो ट्यूनिका प्रेजेंट है, यू कॉल इट ट्यूनिकेटेड बल्ब, यू कॉल इट ट्यूनिकेटेड बल्ब। What do you call? Because tunica is present, one outer membrane is present, that is why you call it tunicated bulb. Now, is tunicated bulb maybe we have simple tunicated and we have compound tunicated. We have simple tunicated, we have compound. Simple tunicated is example is your onion. Example is your onion. Compound tunicated example is your garlic. Example is your garlic. अब garlic and onion में difference क्या है? गार्लिक एंड अनियन में डिफरेंस क्या है? देखिए इस चीज़ को, ये जो स्केली लीव्स है आपकी, स्केली लीव्स है सारी कॉन्सेंट्रिक फैशन में प्रेजेंट है, सारी स्केली लीव्स कॉन्सेंट्रिक फैशन में प्रेजेंट है, एंड अराउंड विच ए कंप्लीट मेम्ब्रेनस लेयर इज प्रेजेंट, अराउंड विच कंप्लीट मेम्ब्रेनस लेयर इज प्रेजेंट। सारी की सारी आपकी स्केली लीव्स कॉन्सेंट्रिक वे में अरेंज्ड है और बाहर सबके ऊपर एक ट्यूनिका की लेयर प्रेजेंट है, बट इन द गार्लिक एक एक क्लोव्स को आप सेपरेट कर पाते हो। तो स्केली लीव्स सेपरेटली प्रेजेंट है, स्केली लीव्स सेपरेटली प्रेजेंट है, और हर सेपरेट स्केली लीफ के ऊपर मेम्ब्रेनस लेयर प्रेजेंट है, हर सेपरेट स्केली लीफ के ऊपर आपकी मेम्ब्रेनस लेयर प्रेजेंट है, दैट इज वाई गार्लिक इज कंपाउंड ट्यूनिकेटेड, अनियन इज सिंपल ट्यूनिकेटेड, अनियन इज सिंपल ट्यूनिकेटेड, गार्लिक इज कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is it clear to all of you? What is simple tunicated? What is compound tunicated? What is rhizome? What is tuber? What is comb? What is bulb? Is it clear to all of you? Yes, yes. See, what if अगर ये ट्यूनिका प्रेजेंट ही नहीं है, ये तो हमने बात करी ट्यूनिका प्रेजेंट है, अगर ट्यूनिका एब्सेंट है, अगर ट्यूनिका एब्सेंट है, you call it scaly. अगर ट्यूनिका एब्सेंट है आप उसको स्केली बल्ब बोल देते हैं। एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल इज योर लिली, कॉमन एग्जाम्पल इज योर लिली, लिली इज द कॉमन एग्जाम्पल, राइट। फिर से बच्चों रिवाइंड करते हैं पूरा का पूरा। हमने बात करी स्टेम क्या थी, फिर स्टेम के बाद हम लोग इस चीज़ पे आए कि नॉर्मल फंक्शन क्या है स्टेम का, हमको समझ में आ गया। मॉडिफाइड फंक्शन क्या होते हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने अंडरग्राउंड स्टेम की बात करना शुरू करा है कि जो स्टेम ग्राउंड के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड स्टेम है, वो अंडरग्राउंड स्टेम की क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैसे कैसे वो प्रेजेंट हो सकती है। तो अंडरग्राउंड स्टेम कुड बी योर राइजोम, underground horizontal grow, ginger could be your tuber, underground horizontal grow, swollen at the base, your potato, comb more diameter than its length, colocasia alocasia is your comb, then we have bulb, reduced disc along with scaly leaves is bulb, simple tunicated onion, compound tunicated garlic, scaly means no tunica is there is lily, is lily. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? बताइए भाई बच्चों, क्या आप लोग को समझ में आया, क्या आप लोग को समझ में आया? ये देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हो। राइजोम, टर्मरिक, जिंजर, फर्न, ट्यूबर एग्जाम्पल पोटैटो, कॉम, कोलोकेशिया, कोलोकियम, क्रोकस, अमोरफलस, बल्ब इज अनियन, गार्लिक, लिली, अनियन, लिली एंड गार्लिक। Are we cool till now so far? Till now so far we cool बच्चों? Yes? क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब मीन्स हाफ, सबवेज होते हैं ना, सबवेज, सबवेज होते हैं जो आपकी सड़क के नीचे से रास्ता जा रहा होता है। सब एरियल, आधा पार्ट आपका एयर में है, रेस्ट आधा पार्ट आपका सॉइल में है। सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम कुड बी योर रनर, कुड बी सकर्स, कुड बी ऑफसेट, कुड बी स्टॉलन। क्या कोई बच्चा मुझको डिफरेंस बता सकता है रनर, सकर, ऑफसेट, स्टॉलन में? बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है इन चारों में। एनी स्टूडेंट कैन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर? Any student can tell me the difference between these four. क्या difference होता है, क्या कोई बता सकता है? What is runner, what is sucker, what is offset, what is stolen? क्या आप difference बता सकते हो? आप लोग टाइप करो, साथ साथ मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रनर। रनर क्या होता है, इस डायग्राम को देखिए, डायग्राम को देखिए। सॉइल है आपकी, सॉइल के ऊपर आपका ये नोड वाला पार्ट ने स्टेम में ग्रो कर लिया है। अब ध्यान से देखना इसको, आपकी ब्रांच नीचे नहीं आई है, ब्रांच नीचे नहीं आई है, सोइल के अपर के लेवल के ऊपर ही आपका यहाँ पे दूसरी नोड ने ग्रो कर लिया। सोइल के अपर के लेवल पे ही आपकी तीसरी नोड ने ग्रो कर दिया, दैट इज योर रनर। रनर मतलब कुछ चीज़ भाग रही है, कुछ चीज़ भागती हुई दिख रही है, राइट कुछ चीज़ आपकी भागती हुई दिख रही है। तो रनर इज समथिंग जिसमें आपका ब्रांच ने आर्क बैक नहीं किया है, आपका नोड वाला पार्ट है, आपका एक प्लांट है पूरा, दूसरा नोड इस साइड ग्रो कर रहा है, तीसरा इधर, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर, सिक्स्थ इधर। ग्रासेस को देखना कभी भी उठा करके, ग्रासेस को देखना किस तरीके से पैरेलल लगेगा कि वो पूरा जाल सा बिछा हुआ है सोइल के ऊपर, सोइल के नीचे नहीं प्रेजेंट है, सोइल के ऊपर प्रेजेंट है, पूरा एक जाल जैसा बिछा हुआ है सोइल के ऊपर, राइट दैट इज योर रनर। रनर देन वी हैव सकर्स। व्हाट इज सकर? सकर्स क्या होते हैं? सी, ये आपका प्लांट ने यहाँ ग्रो किया, अब ये प्लांट की ब्रांच आपकी नीचे गई, अब नीचे वाली ब्रांच आपके यहाँ पे ऊपर ग्रो कर रही है, लाइक दिस। इसकी ब्रांच आपकी नीचे गई, फिर ये ऊपर आकर के ग्रो कर रही है, फिर इसकी ब्रांच नीचे गई, ये ऊपर आकर के ग्रो कर रही है। डिफरेंस समझ में आया? रनर सोइल के अंदर नहीं जा रहा है, सोइल के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है। ग्रासेस टिपिकल एग्जाम्पल है, सोइल के ऊपर ही क्रीप करता हुआ प्रेजेंट है। सकर्स ऑन द अदर हैंड नीचे की तरफ जा रहा है पहले, फिर नीचे से इसका अपर की तरफ ग्रो हो रहा है, फिर नीचे गया अपर ग्रो हुआ, नीचे गया अपर ग्रो हुआ, इधर से भी सेम चीज़, नीचे गया अपर ग्रो हुआ, लाइक दिस। दिस इज योर सकर। रनर सकर समझ में आया, रनर सकर समझ में आया। देन वी हैव स्टोलन, देन वी हैव स्टोलन। स्टोलन देखो, स्टोलन सकर का उल्टा है। इसमें प्लांट नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, स्टोलन में ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है? स्टोलन में आपकी एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, ब्रांच आर्क बैक हो गई है नीचे, ब्रांच आर्क बैक हो गई है, सोइल में जहाँ पे मिली है वहाँ पे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया है। फिर आगे चल के एक और ब्रांच आर्क बैक हो गई है, सोइल में जहाँ पे मिली है वहाँ पे एक नया प्लांट बन गया है। यहाँ पे ब्रांच आपकी आर्क बैक हो गई है, सोइल में जहाँ मिली है वहाँ पे आपका नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? डिफरेंस समझ में आया तो लाइक करो, अभी की अभी लाइक करना है, अभी की अभी लाइक करो। रनर आपका सोयल के ऊपर ग्रो करता हुआ जा रहा है, सकर आपका सोयल के नीचे गया फिर ऊपर आया, नीचे गया फिर ऊपर आया, नीचे गया फिर ऊपर आया, इज योर सकर। स्टोलन आपका ब्रांचेस आर्क बैक हुई, जो आर्क बैक हुई वहां से उसने ग्रो किया, फिर ब्रांच आर्क बैक हुई, जहां से आर्क बैक हुई वहां से उसने ग्रो किया। लाइक दैट राइट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव ऑफसेट। ऑफसेट आपको एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ऑफसेट एक्वेटिक प्लांट्स में होगा। ऑफसेट में और रनर में आपका डिफरेंस यही होता है कि ऑफसेट में पहली चीज जो ये इंटरनोड प्रेजेंट है, दीज आर द टू नोड्स विच आर प्रेजेंट, इंटरनोड इज वेरी शॉर्ट, इंटरनोड आपका शॉर्ट है। दूसरी चीज जो इंटरनोड है इट इज योर स्वॉलन, तो इंटरनोड इज शॉर्ट एंड स्वॉलन इन केस ऑफ ऑफसेट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन टू एक्वेटिक प्लांट्स, शॉर्ट एंड स्वॉलन इन टू एक्वेटिक प्लांट्स। ऑफसेट इज बेसिकली रोसेट ऑफ लीव्स ऑन द upper side and tuft of roots on the ground side. On the ground side. Karishma, Ashok Bhuta, thank you so much. Is it clear to all of you? जैसे करिश्मा को clear हुआ वैसे क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? What is runner? What is sucker? What is stolen? What is offset? Are we all cool? Cool? Shriyansh. स्टोलन को फिर से बताऊं? यस, स्टोलन समझिए बेटा, स्टोलन में आपका एक प्लांट ग्रो कर रहा है, उस प्लांट की एक ब्रांच ने आर्क बैक किया, आर्क डाउनवर्ड, और वो ब्रांच ने सॉइल के अंदर इन्वेड करके एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। देन अगेन उसकी ब्रांच ने आर्क बैक किया, सॉइल के अंदर इन्वेड करा, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर दिया। तो वो बेसिकली ब्रांचिंग आपकी आर्क बैक हो रही है इनटू योर स्टोलन। यहाँ पे ब्रांचिंग आर्क बैक नहीं हो रही है, ब्रांचिंग आर्क बैक नहीं हो रही है, सोयल के ऊपर ग्रो कर रहा है वो, विच इज ओके, लेकिन ब्रांचेस का कोई लेना देना नहीं है उसमें। राइट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर। तो चलो इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। रनर टिपिकल एग्जाम्पल ग्रासेस, टिपिकल एग्जाम्पल ग्रासेस, कोई भी जिस भी पार्क में आप सुबह घूमने जाते हो उठा करके ग्रासेस को चेक कर लेना आप लोग। ग्रासेस को ऐसे आपको क्रीपिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ग्रासेस को आपको हमेशा। सकर्स, क्राइसंथीमम, पाइनएप्पल, बनाना कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सकर्स, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सकर, क्राइसंथीमम, पाइनएप्पल एंड बनाना। सारे बच्चे एग्जाम्पल लिखेंगे, एवरीबडी क्विकली सारे बच्चे एग्जाम्पल लिखेंगे। रनर का एग्जाम्पल सारे लिखेंगे, ग्रासेस, सकर का सारे बच्चे लिखेंगे, क्राइसंथीमम, पाइनएप्पल एंड बनाना। ऑफसेट पिस्टिया एंड इकोर्निया, स्टोलन इज जैस्मिन एंड मिंट, मिंट एंड जैस्मिन इज स्टोलन। क्विकली इन द चैट सेक्शन, आई वॉन्ट टू सी एग्जाम्पल्स राइट नाउ, and don't forget to hit the like button also. Runner, grasses, sucker, chrysanthemum, pineapple, banana, offset pistia, ecornia and stolen is jasmine. Everybody, stolen is mint and jasmine. चलिए quickly everybody. वेरी गुड बच्चों, हमने स्टेम क्या होता है वो पढ़ा। वैष्णवी, नॉट ए प्रॉब्लम, अभी आप ज्वाइन कर लो। स्टेम क्या होता है हमने वो पढ़ा, फिर हमने मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम पे गए, हमने अंडरग्राउंड स्टेम देखा, अंडरग्राउंड स्टेम के हमने एग्जांपल्स पढ़े। राइजोम क्या होता है हमने पढ़ा, ट्यूबर क्या होता है हमने पढ़ा, कॉम क्या होता है हमने पढ़ा, बल्ब क्या होता है हमने पढ़ा। देन हमने सब एरियल पढ़े, रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, मतलब सोइल के ऊपर कौन सी मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होती है। वी हैव टू सी द एरियल मॉडिफिकेशंस, राइट? एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, सोइल के ऊपर ग्रो कर रही है मॉडिफिकेशंस, देखते हैं। फर्स्ट इज फाइलोक्लेड। आई गारंटी 90% बच्चों को इतना डाउट रहता है, इसमें इतना डाउट रहता है कि फाइलोक्लैड क्या होता है। 90% बच्चों को बहुत डाउट रहता है फाइलोक्लैड होता है क्या, समझिए फाइलोक्लैड क्या होता है। आपका जो स्टेम वाला पार्ट है, आपका जो स्टेम वाला पार्ट है, इट हैज़ गॉट कन्वर्टेड इनटू फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखो भाई, आपका जो स्टेम वाला पार्ट है वो इस तरीके से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर लेता है, लाइक दिस फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। स्टेम वाले पार्ट ने मॉडिफाई करके ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बना लिया है, दिस इज स्टेम। और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बना करके समटाइम थोड़ा फ्लैशी स्ट्रक्चर भी बना लेता है, बना करके व्हाट इट इज डूइंग, इट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज़ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। भाई स्टेम का काम फोटोसिंथेसाइज करना होता है क्या? नहीं, स्टेम का काम होता है एंकरेज प्रोवाइड करना, ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना। तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ डिफरेंट कर रहा है। डॉक्टर अमृता प्लीज़ पोस्ट योर डाउट, कुछ डिफरेंट कर रहा है। तो स्टेम का काम नहीं है फूड को सिंथेसाइज करना, बट इफ अगर स्टेम आपका ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, then you call it phylloclad. What you call it? You call it phylloclad. बच्चों मैं phylloclad बोल रही हूँ, phyllod नहीं बोल रही हूँ। Phyllod is different, phylloclad is different, right? So this is your phylloclad. Now what about leaves? अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो लीव्स क्या करेंगी? तो भाई जो लीव्स होती हैं ऐसे प्लांट्स में, वो लीव्स इस तरीके से स्पाइंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइंस की फॉर्म में एकदम रिड्यूस्ड हो गई है, रिड्यूस्ड होकर के स्पाइन बना लिए हैं, स्पाइंस बना लिया है, एकदम रिड्यूस्ड होकर के स्पाइन में कन्वर्ट हो गया है। और स्पाइन में कन्वर्ट होने के पीछे रीज़न क्या था? लीफ ट्रांसपीरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वाटर लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर लॉस होगा अगर प्लांट के अंदर तो वो प्लांट डेजर्ट कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। आई वांट कि ये प्लांट मेरा डेजर्ट कंडीशन के लिए सूटेबल रहे, उसके लिए मैं क्या करूँगी? लीफ जो है उसको रिड्यूस्ड कर दूँगी। रिड्यूस्ड अगर उनका सर्फेस एरिया मैंने कर दिया तो ट्रांसपीरेशन विल बी वेरी लेस, ट्रांसपीरेशन लेस मीन्स वाटर मेरा सेव हो गया। वेरी सूटेबल फॉर डेजर्ट कंडीशन, वेरी सूटेबल फॉर डेजर्ट कंडीशन। आर वी कूल? यस, संदीप सैनी बिल्कुल बिल्कुल। फाइलोड, फाइलोक्लैड, क्लैडोड में डिफरेंस क्या होता है? संदीप मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको। फाइलोक्लैड क्या होता है आपको समझ में आया? समझ में आया फाइलोक्लैड क्या होता है? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है आपका, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है आपका, राइट राइट। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इज योर फाइलोक्लैड। नाउ व्हाट इज क्लैडोड? एक बच्चा मुझसे पहले पूछ रहा है मैम क्लैडोड क्या होता है? क्लैडोड मैं कहती हूँ वन इंटरनोड, वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लैड। जो फाइलोक्लैड आपने पढ़ा है, जो फाइलोक्लैड आपने पढ़ा है, मतलब आपके स्टेम ने ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लिए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। अगर वो सारे स्ट्रक्चर सिर्फ वन इंटरनोड लॉन्ग है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज क्लैडोड। तो संदीप सैनी डिफरेंस बिटवीन फाइलोक्लैड एंड द क्लैडोड इज, फाइलोक्लैड इज clad is these are the flattened structure which are present, and in cladode you can see these structures, these stems are only one internode long, only one internode long structure are present into cladode, right? Is this clear? What is phylloclad? What is cladode? Sandeep Sani, phyllod क्या होता है वो लीफ के मॉडिफिकेशन में समझाऊंगी, ठीक है? फाइलोड क्या है वो लीफ की मॉडिफिकेशन में समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों एरियल मॉडिफिकेशंस की। एरियल मॉडिफिकेशंस में हमने बात की फाइलोक्लैड क्या है, क्लैडोड क्या है। थर्ड हम लोग बात करेंगे थोन्स क्या होते हैं, थर्ड हम लोग बात करेंगे थोन्स क्या होते हैं। व्हाट आर थोन्स, व्हाट आर थोन्स? थोन्स बेसिकली आपका जो एक्सिलरी बर्ड है अगर वो मॉडिफाई हो जाए, मॉडिफाई हो करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर दे जो कि प्रोटेक्टिव हो, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो, जो कि डिफेंसिव ऑर्गन के जैसे बिहेव करे। डिफेंसिव ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए किसी प्लांट के ऊपर थोन्स प्रेजेंट है, कुछ कांटे प्रेजेंट है, तो जो भी ब्राउजिंग एनिमल आएंगे क्या वो उसको ग्रेज करेंगे, क्या वो उसको ब्राउज करेंगे या नहीं करेंगे? टेल मी एवरीबॉडी, क्या वो ग्रेज करेंगे या नहीं करेंगे? चित्रांश बेटा, क्लेडोड इज सिंपली वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड, राइट चित्रांश? वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड इज योर क्लेडोड। क्या वो करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। दैट इज वाई योर थॉर्न इज बिहेविंग एज द डिफेंसिव ऑर्गन एंड इट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द प्लांट, इट इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द प्लांट। नाउ लीफ भी मॉडिफाई होकर के थॉर्न बना सकती है, स्टेम भी मॉडिफाई होकर के थॉर्न बना सकती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। तो बोगनविलिया प्लांट के अंदर बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आता है। बोगनविलिया प्लांट के अंदर क्या होता है, आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन, थोन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन केस ऑफ बोगनविलिया प्लांट। स्टेम इज मॉडिफिकेशन ऑफ, सॉरी, थोन इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन केस ऑफ बोगनविलिया प्लांट, राइट? राइट एवरीबडी? Yes, then last but not the least is tendril. What is tendril? डायग्राम से समझते हैं। tendril जैसे कि आपका एक्सिलरी बर्ड ने ऐसे डिफेंसिव ऑर्गन की तरह बिहेव करा है थोन में कन्वर्ट होकर के, वैसे ही आपका एक्सिलरी बर्ड ऐसे स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपका एक्सिलरी बर्ड ऐसे स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ है जिसका फंक्शन है क्लाइंबिंग करना, जो क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा प्लांट की, दैट इज कॉल्ड एज टेंड्रिल। डिफरेंस बिटवीन थॉर्न एंड टेंड्रिल, ये क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, ये क्लाइंबिंग में हेल्प नहीं कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, डिफेंसिव है, ये डिफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव नहीं है। राइट बच्चों, राइट? इज दिस क्लियर? Is this clear to all of you? Is this clear to all of you? वापस से रिवाइंड करते हैं, फिर आप लोग लाइक करना सेशन को। वापस से रिवाइंड करते हैं। स्टेम क्या होता है हमने समझा, स्टेम के फीचर्स क्या होते हैं हमने समझा, नोड्स क्या होती है हमने समझा, बर्ड्स क्या होती है हमने समझा, दोनों में डिफरेंस क्या है ये हमने समझा। इसकी मॉडिफिकेशंस पे हम लोग गए, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस क्या होता है ये हमने समझा, सब एरियल क्या होती है समझा, एरियल क्या होता है ये हमने समझा। नाउ इट इज़ टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं क्विकली, फिर वाइंड अप करेंगे, टाइम ऑलरेडी एक्सीड हो चुका है। डू हिट द लाइक बटन एवरीबडी, डू हिट द लाइक बटन। स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नॉन एज, फटाफट से आंसर लिख दो भाई, फटाफट से आंसर लिख दो भाई। फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड भाई, ए बी सी डी कोई नहीं लिखेगा, पूरा आंसर लिखेंगे, पूरा आंसर लिखेंगे, ए बी सी डी कोई नहीं लिखेगा। फाइलोक्लेड, 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 वेरी वेरी गुड, गुड आंसर इज योर फाइलोक्लेड। डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम? डू आई नीड टू? नो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आया था, मैंने आपसे कहा प्लांट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। बोगनविलिया प्लांट में थॉर्न किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है? थॉर्न स्टेम का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, रूट का भी हो सकता है और लीफ का भी हो सकता है, बट आपको प्लांट के नाम से याद रखना पड़ेगा, प्लांट के नाम से याद रखना पड़ेगा बच्चों। यस, प्लांट के नाम से याद रखना पड़ेगा, किसका मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है? इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम 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 स्टेम। वेरी गुड, very good. Next question on your screen. Next question, stem of potato, ginger, turmeric are modified to, किस में मॉडिफाई होती है? एक कॉमन फंक्शन, सब सारी किस में मॉडिफाई होती है? क्या रेस्पायर करती है, क्या फोटोसिंथेसाइज करती है, या सपोर्ट को प्रोवाइड करती है, क्या करती है? स्टोर फूड। very good बच्चों, very good. Very nice. Fill in the blanks. Next question everybody. Fill in the blank. Fill in the blank. Protect बोगनविलिया from grazing animal. क्या चीज़ है जो बोगनविलिया को प्रोटेक्ट करती है from grazing animal? Is it tendril? Is it sucker? Is it offset? ये see this is thorns. Typo error हो गया होगा. This is thorns. क्या चीज़ करती है, इट इज़ योर थॉर्न 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 थॉर्न्स थॉर्न्स थॉर्न्स। वेरी 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 गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों मॉर्फोलॉजी से। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के। इन पिस्टिया एंड ई कॉर्निया स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म। पिस्टिया एंड ई कॉर्निया में स्टेम मॉडिफाई होकर के क्या चीज़ को फॉर्म करती हैं? ऑफसेट ऑफसेट ऑफसेट। सो हैप्पी टू सी सच एन गुड रिस्पॉन्स। सो हैप्पी टू सी। हर क्वेश्चन पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप लोग के आंसर आ रहे हैं। सो हैप्पी टू सी। ऑफसेट 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 एवरीबडी। ऑफसेट क्या था? रोजेट ऑफ लीव, स्टफ्ड ऑफ रूट्स एक्वेटिक प्लांट में। याद है सबको? यस। वेरी 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 गुड। वेरी 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 गुड बच्चों। क्या करना है अब? क्या करना है? अगर आपको सेशन पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। If you haven't joined the Telegram group yet, you are most welcome to join. The link is in the description and we are at the end of this session. बच्चों अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो, पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ क्लास के बाद में अच्छे अच्छे कमेंट्स अपने ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में डाल दीजिए। कमेंट में मैं उस डाउट का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। कमेंट में आप अपना डाउट भी डाल सकते हो। Thank you so much for having me. Prep smart, score better, go grade up बच्चों. Keep scoring better with grade up. Thank you so much for having me. मिलते हैं next class में.